भाई पैरों में लग गई है मेहंदी और जल्दी रिश्ता आने वाला है, जल्दी एक अच्छी सी लड़की देख के मेरी शादी होने वाली है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग चैनल पे। तो अभी सुबह सुबह उठ गया हूँ मैं, 7:30 बजे से उठा हुआ हूँ और कल मैं गया था सैलून तो बाल तो अच्छे कट गए, शेव भी हो गई, लेकिन एक दिक्कत है यार, देख रहे हो ये टैनिंग, और टैनिंग की वजह से स्किन बर्न हो रखी है। ये दिख रही होगी ना आपको, देखो खाल जल के ऐसे सिकुड़ के, तो यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी पूरे फेस पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि खाल जल चुकी है धूप में चल चल के। एक तो बरसात होती थी फिर धूप पड़ती थी, फिर बरसात होती थी धूप पड़ती थी, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा टैनिंग अफेक्ट करती है। देख सकते हो रंग, देख सकते हो भाई यहाँ का रंग देखो, फेस का कलर देखो, यहाँ का कलर देखो और फेस का कलर देखो, यहाँ का कलर देखो और इस हाथ का कलर देखो, तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई। एक होता है टैन होना, एक और होता है फुक जाना, तो फुक चुकी है मेरी स्किन। तो अभी ना चीनू एक होम रेमेडी लेके आई है, तो ये मेरे फेस पे ना कुछ लगाएगी जिससे थोड़ा सा फेस साफ होएगा, फेस को ठंडक मिलेगी, और फिर उसके बाद अभी नहाऊंगा। आज अमावस है तो अमावस की जोत लगानी है। ऐसे हो मेरे YouTube के चाहने वाला, तो गाइस आज मैं बन गया ओपनिंग सुपरस्टार और मेरे साथ हो रहा है मौत का खेल। चीनू मेरे से अभी होम रेमेडी कर रही है टैनिंग का, टैनिंग उतारने के लिए कुछ। चीनू क्या बना दिया तूने मेरा ओह माय गॉड, बिफोर एंड आफ्टर दिखाएंगे फिर इसका। अभी और काला कर दिया। ये क्या लगाया बताएगी तुमने या सीक्रेट रखेगी? चलो भाई देखते हैं चीनू की होम रेमेडी कितना काम करती है। मैं पुनीत सुपरस्टार बन गया हूँ दोस्तों, तो चलो अभी बस 5-10 मिनट इसका वेट करूँगा सूखने का, और जैसे ये सूख जाएगा फिर अपना नहाने के लिए चला जाऊँ। चीनू ये कितनी देर तक लगा के रखना है? ये सूख जाए तेरे को खिंचाव हो जब मुंह पे तब तक। ऐसा कोई टाइम नहीं है 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है? 15 मिनट 15। चलो भाई वेट करता हूँ इसके सूखने का, खा जाऊंगा सबका। तो गाइस मैं नहा लिया हूँ और जो चीनू ने फेस पे लगाया था वो भी उतार लिया। कुछ फर्क लग रहा है चीनू? बहुत फर्क लग रहा है, फिर से भी गोरा हो गया मैं तो। सारी टैनिंग हट गई, सारी तो नहीं हटी पर ये है कि काफी हद तक, काफी हद तक फर्क पड़ा है। अब ये अगली मैं दोबारा कब लगाऊं फेस पे? आज मंडे है तो ट्यूसडे वेडनेसडे को लगा लियो, मतलब एक दो दिन रुक के लगाना है। थर्सडे को लगा लियो फिर संडे को लगा लियो। गाइस ये तो भाई घरेलू उपाय काम कर गया, देखो भाई फेस हो गया थोड़ा सा साफ। ये है कि पूरे तरीके से तो नहीं हुआ पर 15 मिनट के अंदर देखो कितना फर्क पड़ गया। वाह चीनू शाबाश, शाबाश चीनूड़ी, कब कुछ तो काम आई तू जिंदगी में। जिंदगी में और मतलब आज तक में तेरे कुछ भी काम नहीं आई? नहीं, चल बाजड़े थे हट। चल तो गाइस अभी मैं तैयार हो जाता हूँ, और आज अमावस्या है तो अमावस की जोत लगानी है। बस कपड़े डालता हूँ, ना तो ले आई हूँ कपड़े डाल के, फिर अमावस की जोत लगाता हूँ। तो गाइस अभी लगाने जा रहा हूँ मैं अमावस की जोत, यहाँ पे लगेगी जोत। ये मेरी खीर है, गाय की निकाल दी रोटी और खीर निकाल दे, और आ जाओ बैठ जाओ जोत लगाते हैं जल्दी से। तो गाइस ये मेरा आ गया खाना, ये गाय की रोटी आ गई। तो भाई अमावस की जोत हो गया घर पे, अभी मैं चीनू मम्मी स्वाति हम चार जा रहे हैं मंदिर। तेरा फास्ट आज सोमवार का डेली का होता है, मेरा तो सावन। अच्छा मतलब पूरे सावन के सारे दिन, तू भी सावन के हर दिन फास्ट रखती है? मंडे ओनली मंडे। यस। तो स्वाति का और चीनू का फास्ट है, तो अभी मंदिर जा रहे हैं जल चढ़ाने, तो चलो चलते हैं। चीनू और स्वाति ने जल चढ़ा दिया है शिवलिंग पे, बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर की पूजा करो, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उपकार हुआ, अंत काल को शिव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। तो गाइस कल रात को जो मैंने पैरों में मेहंदी लगवाई थी ना भाई, वो बढ़िया रच गई है, चलो आपको दिखाता हूँ। उससे पहले चीनू तू कहाँ जा रही है? ट्यूशन पे। तो चीनू जा रही है ट्यूशन और मैं जाऊंगा अभी काम से। टैनिंग ठीक हो गई लेकिन कंप्लीट नहीं, देख आग के नीचे यहाँ ना पूरा जल गया, इसमें बहुत जलन हो रही है। एक होता है इसमें डार्क सर्कल कम है, ये देख पूरा जला हुआ दिख रहा है। तो एक बार ना मेरे पैरों की मेहंदी दिखा। चलो गाइस ये देखो कैसे मेरे मेहंदी रच गई पैरों में, बढ़िया रच गई डार्क है ना। हाँ अभी और काली होगी, देखो और काली होगी। तो इससे क्या होता है ना कि ठंडक हो जाती है थोड़ी सी, और भी फायदे होते होंगे। होते हैं, बताना नहीं आता, होते हैं। हाँ मतलब एग्जैक्ट पता नहीं क्या होता है पर भाई बहुत फायदा होता है। ठंडी होती है वैसे मेहंदी, ठंडी होती है। हाँ लग रहा है तेरे को ठंडक थोड़ी?
ठंडक तो नहीं लग रही पर जो गर्मी है वो फील नहीं हो रही। अच्छा ऐसे थोड़ी ऐसे तो नहीं लग रही जैसे गर्म नहीं हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं फील होता ना कि बर्फ पे पैर टेक दिया ऐसा थोड़ी लगेगा, पर जो अंदर की गर्मी रहती है ना इतना चलने से जो सूजन आई या फिर जो स्टिफनेस हुई पैर में वो गर्मी शायद रिलीज हो गई। अच्छा तो भी चलने में भी मेरे को कंफर्टेबल सा लग रहा है काफी, मतलब वर्थ इट है मेहंदी लगाना। और क्या लो भी खाना आ गया है, खीर अमावस की और पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। और मत बनाना मम्मी रोजा, और मत बनाना पापा रोजा कहाँ है ड्यूटी पे गए। कानू रोजा खाना खा लिया, कानू रोजा ने और चीनू रोजा ट्यूशन गई। हाँ वो तो ट्यूशन गई, कानू को रेस्ट करा दो। चलो भाई रोटी खा के फिर निकलते हैं एनएसपी। तो गाइस वापस घर आया हूँ बहुत लेट नाइट, देखो सब सो गए और अन्नू दीदी दोबारा आ गई, मामा की छोरी है जो चीनू सो गई, मम्मी सो गई, सब सो गए और अभी बहुत सारी बातें कर रही है मेरे को व्लॉग में, तो मैं अलग रूम में जाके फिर व्लॉग करता हूँ। ये लोग सो जाते हैं आराम से, आप लोग सो, मैं लाइट बंद कर देता हूँ। गुड नाइट, सोने आऊँगा तो मैं वहाँ सो जाऊँगा आराम से बेड पे। यहाँ पे पापा भी सो गए, चलो भाई दूसरे रूम में चलते हैं, वहाँ करेंगे आराम से बातें। और ये देखो भाई बरसात के मौसम में क्या सीन रहता है, आपके घरों में भी ऐसे ही होता होगा। बाहर तो इतनी बरसात रहती है तो घर में ही कपड़े सुखाने पड़ते हैं, देख सकते हो भाई कपड़े कपड़े हो रखे हैं चारों तरफ। हाँ तो गाइस बहुत सारी बातें करनी थी, तो मेन बात तो ये है कि भाई मैंने ना कुछ नई चीज़ सोची है व्लॉग के अंदर और वो चीज़ आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी, तो अभी मैं उसी के बारे में बात करने जाऊँगा। लेकिन उससे पहले अभी जैसे मैं दिन में NSP निकला था, उसके बाद NSP में इतना बिजी था, काम किया और भाई जो भी मतलब मेरी चीज़ें थी वो सब फिनिश करी और टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का, काम में इतना बिजी हो गया था। वापस घर आया तो भाई रात इतनी हो रखी है, सब सो गए हैं, इसलिए भाई दिन में फिर कुछ व्लॉग बना ही नहीं पाया। तो कभी आप सोचो कि भैया दिन का व्लॉग कहाँ है, क्या किया आपने पूरे दिन, तो भाई कुछ व्लॉग ही नहीं बना पाया, बिजी इतना हो गया था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी है वो ये है गाइस कि आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ व्लॉग के अंदर एक नया सेगमेंट, और नए सेगमेंट में क्या होगा, जो आप लोगों के कमेंट्स आती है व्लॉग पे तो मैं उसमें से टॉप 5 कमेंट्स को सेलेक्ट करूँगा और आप सबका नाम लेके आप सबका रिप्लाई करूँगा। जैसे मान लो किसी का नाम है राकेश कुमार और राकेश कुमार ने कमेंट करी कोई अच्छी सी, कोई अच्छा सा सवाल पूछा या अच्छी सी कोई बात बोली, तो मैं जैसे मान लो भाई राकेश कुमार ने पूछा कि भैया आपके पास कौन सी गाड़ी है, तो मैं भाई ऐसे रिप्लाई करूँगा कि राकेश कुमार का सवाल है कि भैया आपके पास कौन सी गाड़ी है, तो मेरे पास है XUV। तो जैसे उससे क्या होगा, आप लोग बोलते रहते हो भैया शाउट आउट दो, व्लॉग के अंदर हमारा नाम लो, तो ये चीज़ आप लोगों की सॉर्ट हो जाएगी कि आप अच्छी अच्छी कमेंट करो, अच्छे से सवाल पूछो, तो मैं नाम के साथ आपका नाम लूँगा, आपको शाउट आउट भी मिल जाएगा और आपकी बात का जवाब भी दूंगा। क्योंकि कमेंट करते हो आप भैया हमारा रिप्लाई नहीं करते, वैसे देखो मोस्टली मैं हर कमेंट पे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई नहीं तो मैं हर्ट देता हूँ हर कमेंट को। आप नोटिस भी करते होंगे व्यूअर्स हो जो आप लोग, कि मैं बहुत सारी कमेंट्स देखता हूँ, लाइक करता हूँ, उसको हर्ट देता हूँ। और अब मैंने नई चीज़ सोची है कि मैं एक सेगमेंट बनाऊँगा व्लॉग के एंड में, हर व्लॉग के एंड में आपको ये सेगमेंट देखने को मिलेगा, टॉप 5 क्वेश्चंस आपके जो होंगे या टॉप 5 बातें जो आपकी होंगी कमेंट्स में वो मैं रिप्लाई करूंगा। तो चलो अपना कमेंट सेक्शन वाला सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको दिन में बताया कि भाई मेरे पैरों पे जो मेहंदी लगी ना, तो अभी मैं जैसे निशान से मिला, फिर और NSP गया था तो बहुत सारे लोगों से मिला, तो जो भी मुझे देखता मेरे पैरों में मेहंदी लगी देखता, पता है क्या बोलता, भाई पैरों में लग गई है मेहंदी और जल्दी रिश्ता आने वाला है, जल्दी एक अच्छी सी लड़की देख के मेरी शादी होने वाली है। ऐसे बोलते सब लोग कि भाई तू शादी कर रहा है क्या, पैरों में मेहंदी लगा ली। पता नहीं भाई अब शादी करते टाइम पैरों में मेहंदी लगती है नहीं लगती मुझे नहीं पता, पर मैंने यही रिप्लाई दिया, मैं कहा भाई कहाँ शादी वादी, कहाँ क्या कुछ भी, मतलब ये मेहंदी मैंने इसे लगाई है कि कावड़ लेके आया हूँ, तो उस रीज़न से लगानी पड़ती है और इसका हेल्थ बेनिफिट भी रहता है कि ये पैरों को ठंडक देती है, तो जो इतना चलने से सूजन और गर्मी बनी हुई है पैरों में वो सही हो जाती है। पता नहीं लोग क्या हर बात पे शादी शादी शादी, आप शादी कब कर रहे हो, आपकी शादी होने वाली है क्या। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग का सेगमेंट जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। तो आप अगर फ्यूचर में चाहते हो कि आपकी कमेंट का भी रिप्लाई आपको मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी कमेंट्स किया करो ताकि आपका भी नाम सेलेक्ट हो सके और मैं आपकी भाई कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो अभी मैंने कल के ब्लॉग से 5 अच्छी अच्छी कमेंट्स निकाली हैं, अब मैं उनका रिप्लाई करूँगा विद नेम।
और इस सेगमेंट का मैं नाम रखने वाला हूँ, अभी जो मेरे दिमाग में आया इंस्टेंट वो मैं रखूंगा, RRR, जिसका मतलब है रचित रोजा रिप्लाई। पता नहीं है कैसा है, फनी है या फिर कैसा है, समझ नहीं आ रहा। अगर आपके पास इस सेगमेंट के लिए कोई और अच्छा नाम है तो वो आप बताना, उसका भी रिप्लाई आपको कल के व्लॉग में मिल जाएगा। तो चलो भाई, अभी अभी के लिए फिलहाल इस सेगमेंट का नाम हम RRR ही रखते हैं, और चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेगमेंट RRR। तो जो टॉप सवाल हैं उनमें से जो हमने पहला सवाल सेलेक्ट किया है वो पूछा है हमसे हर्ष चोपड़ा AMPS ने। और भाई हर्ष चोपड़ा का सवाल है कि भैया आप कांवड़ यात्रा पे थे तो आप फोन कैसे चार्ज करते थे। भाई इसका आंसर मैं देता हूँ। तो गाइज आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा पे जब हम थे तो हमारे साथ हमने एक छोटा हाथी जो टेम्पू होता है वो भी ले रखा था ताकि हमारा सामान वगैरह रखा रहे, तो कई जगह हम उसमें चार्ज कर लेते थे। या वो हमारे साथ नहीं है तो फिर चार्जर रखता था मैं अपने साथ, लाइक एक वेस्ट बैग यहाँ पे लगा लिया, उसमें रख लिया चार्जर या जेब में डाल लिया, तो ऐसे कैरी कर लेते थे चार्जर। उसके बाद भाई शिवरात्रि पे कावड़ियों के लिए शिविर लगे रहते थे तो शिविर पे चार्ज कर लिया फ़ोन, या जहाँ हमें जगह मिली किसी दुकान पे रुके हैं या कुछ भी XYZ जहाँ हमें जगह मिली फ़ोन चार्ज करने के लिए वहाँ मैं फ़ोन को चार्ज कर लेता था, क्योंकि मुझे व्लॉग भी बनाना होता था, व्लॉग एडिट भी करना होता था, तो ऐसे हम चार्ज करते थे फ़ोन। दूसरा सवाल पूछा है निशा ठाकुर ने, और निशा ठाकुर ने बोला है कि आपके पापा तो व्लॉग में बोलते ही नहीं। तो भाई देखो, एक तो पापा ड्यूटी पे रहते हैं सारा दिन, जैसे सुबह जाते हैं शाम को घर आते हैं, तो भाई देखो पुलिस में है तो थकावट भी हो जाती है, और भाई फिर इंसान का मूड भी ऐसा रहता है, पुलिस वाले हैं यार देखो, समझ रहे हो, मतलब ये सब तो चलो हो गई ऐसी बातें, बट पापा का थोड़ा नेचर ऐसा है कि जहाँ ज़रूरत होती है वे वहीं बोलते हैं, या फिर कम बोलते हैं या फिर काम की बातें ही बोलते हैं। वही ड्यूटी से थके हुए आते हैं, अपना खाना वाना खाते हैं, अपना फिर सो जाते हैं, मोस्टली ये रहता है। पापा कम ही बोलते हैं, लेकिन भाई चलो मैं ट्राई करूंगा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि पापा कम बोलते हैं तो मैं ट्राई करूंगा धीरे 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 ज्यादा बुलवाने की। तीसरा सवाल है सक्षम चौधरी का, सवाल ये है कि भूत बंगला Season 2 कब आ रहा है। तो गाइस देखो, भूत बंगले की जब सीरीज बनाई तो तीनों एपिसोड के एंड में मैंने अपील दी थी कि अगर इन तीनों एपिसोड्स के ऊपर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, लाइक 5 मिलियन 7 मिलियन 10 मिलियन ऐसे व्यूज अगर रहेंगे तो फिर मैं भूत बंगला Episode 2 लाने की सोचूंगा। तो अभी तो यार देखो 2-2.5 मिलियन के आसपास है शायद व्यूज, तो वो जैसे ही 5-7 मिलियन के आसपास पहुंचेंगे तो फिर Season 2 लेके आऊंगा भूत बंगले का। तो बहुत सारा प्यार दो, रिपीट पे वीडियो देखो, बार बार वीडियो देखो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, जितनी बार वीडियो रिपीट पे देख सकते हो रिपीट पे देखो, जल्दी से उनके व्यूज बढ़ाओ तो फिर Season 2 लेके आऊंगा। और भाई चौथा सवाल है नीरज सिलावत का, सवाल है ये कि आपको सुपर कार लेनी थी तो अभी ले लो ना। तो गाइज मैं सुपर कार प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी आपको सुपर कार देखने को मिल जाएगी। तो देखो प्लान तो करना पड़ता है ना, और सुपर कार लेने के लिए जा रहे हैं तो प्लान तो करना पड़ेगा, बहुत सारी गाड़ियाँ देखने पड़ेंगी, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो और फिर जिस अकॉर्डिंग पसंद आएगी जो सूट करेगी वो हम सुपर कार लेके आएंगे, तो जल्दी आपको सुपर कार देखने को मिल जाएगी। आज के हमारे RRR सेगमेंट का आखिरी और पाँचवा सवाल ये रहा प्रेम भवसर का, इन्होंने पूछा है कि भाई थार कब ला रहे हो, थार लाओगे कि नहीं लाओगे। तो भाई थार का ये सीन है कि अगर हम सुपर कार के लिए प्लान कर रहे हैं तो क्या मुझे थार लेनी चाहिए, जब सुपर कार ही आ जाएगी तो फिर थार की क्या ज़रूरत है। अब आप ये मुझे बताओ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और ये बताओ, ये जो मैं नया सेगमेंट लेके आया हूँ ये आपको कैसा लगेगा, ये आपको हर व्लॉग में देखने को मिलेगा, आप लोगों का नाम व्लॉग में आएगा, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई होगा हर व्लॉग के अंदर, तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भरपूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं 11 बजे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू, टेक केयर।